नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। इस वक्त की बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए है। जी हां, राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 से संबंधित लेके आए हैं। जो चयनित 396 अभ्यर्थी हैं उनके जिला आवंटन के आदेश में केवल जिन्होंने काउंसलिंग में जो शामिल हुए थे ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आप सभी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 सेलेक्ट 396 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको इसमें बताई जाएगी जिनका नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। उनसे संबंधित संपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का इस समय का जो है ये प्रेस नोट है। देख सकते हैं इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चयनित एम अभिस्थापित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन आदेश में केवल काउंसिलिंग वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी हो चुके हैं। इसमें की बहुत बड़ी अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। सेलेक्ट कैंडिडेट्स के लिस्ट भी आपको बताई जाएगी, जो अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट हुए हैं उनके नियुक्ति आदेश जो जारी हो चुके हैं उनका पूरा आपको डेटा इसमें बताने वाले हैं। उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा गैर अनुसूचित, जी हाँ, TSP एरिया और नॉन TSP एरिया क्षेत्र हेतु चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों के विभाग द्वारा जिला आवंटन आदेश में आपके जिले को आवंटित कतिपय अभ्यर्थियों के विशेष विवरण कॉलम में केवल काउंसलिंग अंकित कर केवल काउंसलिंग करवाए जाने तथा आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक अथवा प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्था से जेन्युइन रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण नीचे सूची दे रखी है उसमें अभ्यर्थियों के दिनांक 9 मई 2023 तक, ध्यान दें दोस्तों, दिनांक 9 मई 2023 तक नियुक्ति अथवा पदस्थापन आदेश जारी किए जा चुके हैं। कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 30 मई 2023। जी हाँ, ध्यान दे ले दोनों डेट पर, 30 मई 2023 कार्यग्रहण की अंतिम तिथि रहेगी। इसके अलावा आपको जो इसमें नियुक्ति के जो पदस्थापन देता है वो भी आपको बता दी गई है 9 मई 2023। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है इस समय की। ले चलते हैं आपको सेलेक्ट 396 अभ्यर्थियों के जो काउंसलिंग में शामिल हुए थे उनके पदस्थापन या नियुक्ति आदेश से संबंधित जो लिस्ट है आपको वीडियो में दिखाई जाने वाली है। बने रहे वीडियो के अंत तक। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट इस समय की ये लिस्ट है। देख सकते हैं इसमें आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में जिला आवंटन में केवल काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों में से सत्यापित पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची जो है आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। देख सकते हैं एक तरफ है सीरियल नंबर, दूसरी तरफ उनके रोल नंबर है, नॉन TSP या TSP एरिया जिससे भी है, मेरिट नंबर दे रखे हैं, नाम दे रखा है सेलेक्ट कैंडिडेट्स का। देख सकते हैं फादर्स नेम, DOB, कैटेगरी देख सकते हैं, जेंडर सेलेक्ट जिस कैटेगरी से हुए हैं वो, और अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ, जो जिला आवंटन हुआ है वह सभी देख सकते हैं इसमें। बहुत बड़ी अपडेट, आराम से देख लीजिए वीडियो में, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। बहुत बड़ी अपडेट इस समय की, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 से संबंधित सेलेक्ट कैंडिडेट के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। सभी लिस्ट जो है सेलेक्ट कैंडिडेट की आपको दिखाई जाने वाली, ध्यान से देख लें, स्किप ना करें वीडियो को। बहुत बड़ी अपडेट इस समय की देख सकते हैं दोस्तों। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। इस और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अच्छा सा आप कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 396 सेलेक्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनका नियुक्ति आदेश जारी हो चुका है अभी अभी,
आपको दिखाई जा रही है वीडियो में, देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहुत बड़ी अपडेट इस समय की देख सकते हैं। सभी सेलेक्ट कैंडिडेट्स के नियुक्ति आदेश जो जारी हो चुके हैं 396 अभ्यर्थियों के, वो लिस्ट आपको दिखाई जा रही है, देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट इस समय की। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको सभी सेलेक्ट कैंडिडेट्स 396 अभ्यर्थियों की, जिनके नियुक्ति आदेश अभी थोड़ी देर पहले जारी हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, वह लिस्ट आपको दिखाई जा रही है, देख लीजिए। बहुत बड़ी अपडेट इस समय की। राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 से संबंधित नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, जो काउंसलिंग में शामिल हुए थे। पूरी लिस्ट आपको इसमें दिखाई जा रही है, देख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट इस समय की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। आप सभी सेलेक्ट कैंडिडेट्स को आशीष एजुकेशन समाचार चैनल की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बहुत बड़ी अपडेट इस समय की, देख सकते हैं सभी लिस्ट सेलेक्ट कैंडिडेट्स की आपको दिखाई जा रही है। जी हाँ, देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट इस समय की, देख सकते हैं दोस्तों। यह है 396 राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 जो काउंसिलिंग में शामिल हुए थे, उनका नियुक्ति आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभी अभी जारी हुआ है। तो यह सिलेक्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको दिखाई गई है दोस्तों। ध्यान दें, कार्य ग्रहण की जो अंतिम तिथि है वह आपको फिर से पुनः बता देते हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक दोस्तों, आपको फिर से उससे संबंधित अवगत करवा दें। या दोस्तों देख सकते हैं, अभ्यर्थियों की दिनांक 9 मई 2023 तक नियुक्ति अथवा पदस्थापन आदेश जारी किए जाए, यानी इनका आदेश जारी हो चुके हैं और अंतिम तिथि रहेगी कार्यग्रहण की 30 मई 2023 से। दोस्तों इसके अलावा आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट, उससे भी जो है सर्च करके उससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश है वो पढ़ सकते हैं, और पढ़ करके आप जो भी निर्देश है उसके अनुसार आप पहुंचे। तो यही थी समय की बहुत बड़ी अपडेट, राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 सेलेक्ट कैंडिडेट्स जो काउंसलिंग में शामिल हुए थे, उनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट, आंसर कीज और दैनिक समाचार, इन सभी अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे एक और नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।